सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, और बेटा हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में कौन सी? जसत्तु संधि। कौन सी संधि चल रही है हमारी? तीसरी जसत्तु संधि। ठीक है, जसत्तु संधि का झलाम, जस, जसी, उसके नियम यानी कि जो वर्णाते हैं, झलाम, जस और जस प्रत्याहार में जो वर्णाते हैं उनके बारे में और उनकी यानी कि परिभाषा और उसके उदाहरण हमने कल पढ़ लिए। अब जसत्तु संधि का एक नियम और पढ़ रहे हैं। जसत्तु संधि सूत्र है झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते यानी पद के अंत में झल, यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में झल यानी प्रत्येक वर्ग का झल यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तथा शय शय है, तथा शय शय तथा शय 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 है, शय 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 है, हो और उसके आगे वर्ग का उसके आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, उसके आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, पहले दूसरे अक्षर, तथा स स स को छोड़कर, तथा शय 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 को छोड़कर शय 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 को छोड़कर कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर झल के स्थान पर जस यानी जय बै गै ड जय बै गै ड द जय बै गै ड द हो जाता है। जय बै गै ड द हो जाता है। ठीक है, देखो बेटा एक बार फिर से देखो परिभाषा। जसत्तु संधि की झलाम जसो अंते सूत्र के माध्यम से यदि पद के अंत में झल, झल का अर्थ होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। झल का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का, पहले ही आपको बता दिया ना था ना कल, झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, और शय 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 है यानी इस प्रकार से इन 24 वर्ण के बाद ये हो और उसके आगे क्या हो, वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, उसके आगे वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, तथा श श श
को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो, कोई अन्य वर्ण हो तो उस झल के स्थान पर, यानी कि ये जो वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और श श श है ये आए हैं, इनके स्थान पर जस यानी जय बैगड़ दय हो जाता है। क्या हो जाता है? जय बैगड़ दय हो जाता है। यथा जैसे, यथा जैसे बेटा देखो, वाक वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, ठीक है, वाक प्लस ईश। अब यहाँ पर देखो ये कौन सा वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है। यहाँ कौन सा वर्ण है, यानी कि कोई अन्य वर्ण है, ना कोई पहला वर्ण है ना कोई दूसरा वर्ण है, ना सह सह है, सह सह और श है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि पहला दूसरा और श श नहीं है, इसलिए ये जो वर्ण है ये इस वर्ण के स्थान पर यानी कि क्या हो जाएगा, जस, यानी कि ये जो कै वर्ग है अपने ही किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो कै वर्ग का तीसरा क्या है, ग, ठीक है, कै वर्ग का तीसरा क्या है, ग, तो क्या हो जाएगा, वागीस, ठीक है, वाक प्लस ईस क्या हो जाएगा, वागीस। दूसरा है अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। अब यहाँ पर देखो चय, ये वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, और उसके आगे क्या आ गया, अन्य, यानी कि श श श और पहला दूसरा वर्ण नहीं है, इसलिए ये इस चय को क्या आदेश हो गया, जय, क्योंकि चय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या आता है, जय, ठीक है ना, चय वर्ग का तीसरा वर्ण क्या आता है, जय, तीसरे वर्ण में यानी कि झल, झल के स्थान पर जस हो जाता है, यानी जब गढ़ दय हो जाता है, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है, तो इस चय को क्या आदेश हो गया, जय आदेश हो गया, इसलिए हमारा ये संधि शब्द बन गया अजंत। कौन सा बन गया है, अजंत, ठीक है, अजंत बन गया है। इसके बाद है तीसरा, तीसरा है हमारा सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, सुप में का पै कौन सा वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, और आगे क्या है, यानी कि ए, यानी कि कोई अन्य वर्ण है, ना तो वर्ग का यानी कि पहला और दूसरा अक्षर है, और ना सह सह श है, इसलिए इस पै को अपने ही तीसरे वर्ण में बदल देंगे, तो पै का तीसरा क्या हो जाएगा, पै फै ब, ठीक है। अब हमारा संयुक्त शब्द बन जाएगा शुबंत, क्या हो जाएगा, शुबंत, ठीक है। अब देखो ये क्या है, बै का क्या कर दिया हमने, बै कर दिया, अब बै हलंत वाला है, बै में क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, इसलिए पूरा शब्द बन जाएगा सुबंत। ऐसे ही जय में ए मिल गया था, क्या बन गया था, अजंत, ठीक है बेटा। उसके बाद है पांचवा, सॉरी चौथा, सट प्लस दर्शन, सट प्लस दर्शन। अब देखो यहाँ क्या आ गया, पहला यानी कि वर्ग का, तय वर्ग का प्रथम अक्षर आ गया, और उसके बाद क्या आ रहा है, दय, यानी तय थय दय, दय कौन सा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, पहला दूसरा नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही सहस है, इसलिए ये जो तय है ये अपने ही तीसरे में बदल जाएगा, और तय वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा, दय, ठीक है, और ये हो जाएगा षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन, ठीक है बेटा, षड दर्शन, ठीक है। ये हमारी जसत्व संधि कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्व संधि, कौन सी संधि पढ़ेंगे, चतुर्व संधि। अब हमारी चौथी संधि है चतुर्व, चतर्व संधि, चतर्व संधि, ठीक है। सूत्र है खरी चय, खरी चय, खरी चय, यानी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर, वर्ग के तृतीय या चतुर्थ, वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर
अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तीसरा अक्षर हो जाता है, उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है? तीसरा अक्षर हो जाता है। यदि बाद में देखो, खरीचे सूत्र के माध्यम से वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है? तीसरा अक्षर हो जाता है। यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर, अथवा यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय, किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा श में से कोई हो। ठीक है। खरीचे सूत्र के माध्यम से वर्ग के तृतीय या चतुर्थ अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा श श श में से कोई हो। अब बेटा देखो, यथा जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, उदाहरण से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है सद प्लस कार है, शद प्लस कार है। अब बेटा यहाँ पर देखो, वर्ग का कौन सा वर्ण है? यानी कि तीसरा अक्षर है, तय थे द, तीसरा अक्षर आ गया। उसके बाद कौन सा रहा है? वर्ग का प्रथम, इसमें है ना। यदि बाद में किसी वर्ग का प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा स स स में से कोई हो, यहाँ वर्ग का तृतीय या चतुर्थ हो, ठीक है, ये तृतीय आ गया। यहाँ तो वर्ग का क्या हो? तृतीय या चतुर्थ हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो? वर्ग का प्रथम या द्वितीय, प्रथम आ गया क्या है? प्रथम या द्वितीय अक्षर अथवा श श श में से कोई हो, तो उसी वर्ग का क्या आदेश हो जाएगा? तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा। यानी कि उसी तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है। उसी वर्ग का कौन सा अक्षर आदेश हो जाता है? प्रथम अक्षर आदेश हो जाता है, तीसरा नहीं। ये तो फिर सीखा।